आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद हमारा मजदूर के अंदर बेदारी लाना है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो बोर्ड की स्थापना करी अभी रमेश दत्ता साहब उसके लीडर बताए वो बोर्ड में किस तरह से काम चलेगा, मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या फैसिलिटी लगेगी, ये मजदूर को बताकर आप मीडिया वालों के माध्यम से बताकर उनके अंदर बेदारी लाना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। और इसके बोर्ड की और जो डिटेल है वो रमेश दत्ता हमारे जाबिर शाह नेता यूनियन के अखिल भाई है और मालेगा नासिक जिला जनता माँ कामदा पालू संगठना के वाजिद कॉम्रेड है, सी पी एम के जनरल सेक्रेटरी रमेश कॉम्रेड यहाँ आए और हमारे दिगर मजदूर जो मुस्तक यूनियन के लोग हैं, सैफी यूनियन के जिम्मेदार रमेश जगताप सारे मौजूद हैं, सब आपको पूरा डिटेल बताएंगे। 18 अगस्त 2021 को जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है इसके कामगार मंत्री माननीय हसन मुश्रीफ साहब इन्होंने बहुत दिनों से 25 से 30 सालों से सीआईटू की डिमांड थी कि जो महाराष्ट्र में जो यंत्रमा कामगार है और यंत्रमाग से जुड़े हुए जो कामगार है तो सीआईटू की 25 से 30 सालों से वो डिमांड थी, वो मांगनी थी कि भाई इनका भी कल्याणकारी मंडल स्थापन हो। जिस तरह से कल्याणकारी मंडल बांधकाम कामगारों का हुआ है, उस कामगारों का हुआ है, घरेलू कामगारों का हुआ है, उसी तरीके से जो यंत्रमाग कामगार है और उससे जुड़े जो कामगार है तो उनको कल्याणकारी मंडल स्थापन हो। तो सिलसिले में 18 अगस्त 2021 में जो महाराष्ट्र के मंत्री कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ साहब उन्होंने मीटिंग बुलाई मंत्रालय में, वो मीटिंग के लिए यहाँ से प्रतिनिधि बोल के मैं खुद रमेश जगताप वाज अपने कॉम्रेड वाजिद कॉम्रेड जाबिर शाह अजहर खान और हमारी जितनी यूनियन है सीआईटू से संलग्न वो यूनियन का एक एक प्रतिनिधि वहाँ पे बुलाया था मंत्रालय में। वो मंत्रालय में मालेगांव से मालेगांव के आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब, मालेगांव के मंत्री दादा भुसे साहब भी वहाँ हाजिर थे और कामगार मालक यूनियन से शेख यूसुफ हाजी और शब्बीर डेगवाले ये दोनों लोग वहाँ पे हाजिर थे। और मंत्रालय में ये तय हुआ कि यहाँ पे जो डिस्कस हुआ उसमें ऐसा डिस्कस हुआ कि यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा सबके ठहराव से ऐसा ठहरा कि जो कच्चा सूद आता है, जो गोई नाती है, जो बॉबी नाती है, जो कच्चा सूद आता है उस पे किलो पे 1 रुपया निकलेगा तो 750 करोड़ रुपए एक साल का जमा होगा तो उससे ये कल्याणकारी मंडल स्थापन होगा। ये तरीके से वहाँ पे पैसे का नियोजन किया गया। और दूसरी मीटिंग माननीय अजीत दादा पवार इनसे सलाह मसाला करके अगली मीटिंग ठहरी जाएंगी और यहाँ तक ये कल्याणकारी मंडल का काम शुरू हुआ। तो मजदूरों में बहुत बेहद खुशी का काम है ये। बेस अनसंगठित जो वर्कर है उनके लिए पूरे भारत में एक डाटाबेस शुरू हुआ है, ई श्रम बोल के एक पोर्टफोलियो चालू हुआ है। उसमें जितने कामगार आएंगे 43.7 करोड़ पूरे भारत के जितने असंगठित कामगार है वो सारे के सारे असंगठित कामगार की नोंदनी होगी, उसका डाटा वहां पे जमा होगा। वो असंगठित कामगारों को क्या मिलेगा तो उसमें उनको जैसे आधार कार्ड मिलता है उस तरीके से उनको एक कार्ड मिलेगा। आज तक जो असंगठित कामगार थे उनका कोई डाटा नहीं, पूरे भारत में कोई डाटा नहीं था, वो काम कर रहे उनको कुछ सुविधा नहीं। जैसे अभी पीछे जब जब मुसीबतें आई तो किसी को 1000 मिलता, बांधकाम कामगारों को मिलता, घरेलू कामगारों को मिलता, लेकिन जितने असंगठित कामगार है बहुत सारे क्षेत्र में जैसे रिक्शा चलाने से लेकर हर जगह पे वो कोई भी होगी तो उसको कुछ मिलता नहीं था। उसका डाटा तैयार होगा और उसको ये इसका काम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉय ये डिपार्टमेंट देखेगा और वो योजना के तहत सबसे पहले उसको पीएम सुरक्षा योजना मिलेगी, उसका फायदा क्या होगा और उसका डेटा तैयार होगा और वो नोंदणीकृत कामगार रहेगा वो, उसके लिए क्या क्या
क्रेडिट ने रखा है उस गवर्नमेंट ने, उसके लिए 16 से 59 साल का आदमी, 59 साल का आदमी उसकी नोंदनी कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। जो ईपीएफ लेता है कोई कंपनी से, ईएसआई की सुविधा लेता है, वो कामगार उसकी सुविधा जो लेता है वो इसमें नोंदनी नहीं कर सकता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? उसके लिए लगेगा आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, जो लिंक मोबाइल लिंक से जो नंबर होगा नंबर लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, एक्यूपेशन सर्टिफिकेट लगेगा और स्किल सर्टिफिकेट लगेगा। और ये जितने देश में सीएससी सेंटर खुलवाए वहां पे ये मुफ्त में होगा। मजदूर से एक रुपया नहीं लिया जाएगा वो नोंदनी करने का, उसका उसकी एक पर्ची मिलेगी, वो कार्ड रहेगा। अगर उसका छोटा कार्ड बना के उन्होंने दिए तो उसका पैसा वो ले सकते हैं, लेकिन उसका नोंदनी करने का एक रुपया कोई सीएससी सेंटर लेगा नहीं। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरी एक अपील है सेडू के माध्यम से कि जितने भी असंगठित कामगार है और आपके तरफ से कि आप भाई इतना प्रचार प्रसार करें कि जितने असंगठित कामगार है वो सारे कामगार नोंदनी करे और उसका प्रचार होए और उसका पैसा नहीं लगता, उसकी कोई कोई काला बाजार ना होए और लोगों को लूटा नहीं जाए। इतना बोल के